दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी अपने जीवन में कुछ सपने देखा है और वो सपने हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो जो याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृति तो वृथा मरे वृथा जिए, जिया नहीं वही जो मरा न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रिय दोस्तों, मैं विवेकानंद जी का शिष्य रहा हूँ और परम ज्ञानी इनलाइटेंड महापुरुष बुद्ध का शिष्य रहा हूँ। अब्राहम लिंकन से भी सीखा है और जॉन एफ कैनेडी से भी सीखा है, और जो भी इस मानवता के कल्याण के लिए जीवन अर्पित किया हो, देश की सेवा में, देशवासियों की सेवा में जीवन बिताया है, उनके पद चिन्हों पर चलना अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि जीवन इसी को कहते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग जो रोए। और हमारा दोस्त एक बहुत ही अच्छी कविता अंग्रेजी का लिखा, जिसका कि मैं दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। लॉन्ग फेलो, वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो, उसने कहा था, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। बिलवर फ्रेंड्स, फुटप्रिंट्स किसका हम अनुसरण करें, किसकी गाथाएं गाएं, किसके लिए हम अपने दिल में हिलोरे लें, किसके लिए हम हमेशा जय जयकार करें, तो सुनिए, उस महान पुरुष के लिए जिसने अपने शरीर की शक्ति, मस्तिष्क की अनुशासित महान शक्ति से मानवता के लिए कल्याण किया। वो कोई भी हो सकता है, कवि हो, पोएट्स, ऑथर्स, राइटर्स, प्रोफेट्स, इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स, जो भी कोई हो जो देश के लिए जिए और देश के लिए मरे, वो हमारे लिए आदर्श हैं, उनके पचीनों पर चलना है। लेकिन इस कविता में मैं ये बताना चाहता हूँ, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक अवर लाइफ सबलाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। नरेंद्र दामोदर भाई मोदी एक भारत की वर्तमान परिस्थिति में एक महान शक्तिशाली वैभव विचार वाले महान देशभक्त, महान सेवक, मंदूर नंबर वन, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक सेवक है। उनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों की जीवनी हमें जानना चाहिए और इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अत्यधिक गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी जो शक्ति होती है मस्तिष्क की, इन्होंने शक्ति मस्तिष्क का विकास किया, जीवन में क्या करना चाहिए सही ज्ञान प्राप्त किया विभिन्न स्थानों पर, और पूरी जिंदगी को निछावर कर दिया निस्वार्थ भाव से मानवता के कल्याण के लिए, अपने देशवासियों के लिए। इस देश में ऐसे महापुरुषों की कमी नहीं रही है, इस देश में एक से एक कुर्बानी देने वाले महापुरुष हुए हैं। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर भाई मोदी ऐसे ही महापुरुष हैं, इन्होंने एक एक सांस लिया है तो देशवासियों के लिए। इनके देश भक्ति की पराकाष्ठा इतनी आकाश की ऊंचाई से ऊंचा है कि ये हमेशा बोलते हैं कि इनके शरीर का एक एक रक्त का कतरा भी देश के लिए है। हमेशा ये शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि सौगंध तुझे इस मिट्टी की, देश तुझे न मिटने देंगे, तुझे न झुकने देंगे, तुझे न आतंकवादियों के आतंक से डरने देंगे। ये मेरे देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी, जब तक नरेंद्र मोदी है देश सुरक्षित है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के साथ हमारे सारे जागरूक जनता उनके साथ है, हमारी सारी युवा पीढ़ी उनके साथ है, हमारे जितने भी ज्ञानी और निस्वार्थ जनता हैं, किसान हो, जवान हो, वैज्ञानिक हो, कवि हो, वो इस महापुरुष की जो डीएनए है उसको पहचानते हैं और सभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ अज्ञानी, स्वार्थी, लोभी, लालची व्यक्ति इन्हें विभिन्न अपशब्दों से सम्मानित करते हैं, लेकिन सांप जो है वो केवल जहर देता है, विष उगलता है। ये जहरीले नाग स्वार्थी अधम मानवता के नाम पर कलंक हैं,
और अपनी कार्य करतूत से अपने आप को परिभाषित किया है और वही उनकी जीवन की आधारशिला बनी है। जहाँ सत्य नहीं है, न्याय नहीं है, जहाँ केवल जाति पाति है, संप्रदायवाद है, तुष्टिकरण की राजनीति है, ऐसे हिजरे, ऐसे गए गुजरे कोई भी सीमाओं को पार कर सकते हैं। हमेशा गालियाँ देना, नाम से तो गांधी अपने आप को कहते हैं, लेकिन गांधी की एक भी बात इन्होंने सीखा नहीं, वैष्णव जन सीखा तो नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, और पूरे दुनिया के लोग इसको गा के सीखना चाहते हैं कि गांधी कौन थे। उनका परिभाषा है उनके चरित्र से जो कि प्रदर्शित होता है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा, हर आँख की आँसू पोषने की भावना और कभी किसी का निंदा नहीं करना। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जहर को पीते हैं, हर शिव शंभु महादेव होते हैं, आँखों में भरते हैं सूरज, धूप को पीते हैं। हो आग जिनकी लहू में आसमानों छूते हैं, हो सके कि किसी के वास्ते चलो जीते, भर के तारे हजारों मुट्ठी में, हो के जुगनू सी रोशन किसी दिल में, हो सके तो किसी के वास्ते जीते हैं। ऐसा महापुरुष जो अपने जीवन की हर क्षण देशवासियों की सेवा में लगा दिया, उनको ये लोग ऐसे गाली देते हैं कि थोड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन जो हमारी संविधान की धाराएं हैं जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन, उसका ये अति अभद्र रूप से प्रयोग कर रहे हैं, ये सुधरेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं। अगर मेरी बहन इंदिरा गांधी होती तो जो सज्जन थे उनको इमरजेंसी में कटघरे में डाल दिया, जेलों में बंद कर दिया। ये दुष्ट भ्रष्टाचारियों को, अत्याचारियों, दुराचारियों को, अशिष्ट लोगों को जवान काट लेती, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाती हिटलर के बाद दूसरा, और इनको इस तरह से ताड़नाएं और पीड़ाएं देती कि तरफ तरफ के दया की भीख मांगते और फिर भी भीख नहीं देती। लेकिन ये उदार दिल है नरेंद्र भाई मोदी का, जो देशभक्त है और जो इस डेमोक्रेसी की परंपरा को बनाए रखता है। हर हर महादेव की तरह इनके विषैले गालियों को सुनता है, फिर भी इसका लक्ष्य हमेशा देश प्रेम के लिए, देश की गौरव गरिमा के लिए, देश के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास, सड़क बिजली और पानी, रोटी कपड़ा और मकान, हमारे देश को स्वच्छ रखना, हमारे मन को स्वच्छ रखना, हमारे युवा पीढ़ियों को सही रास्ते दिखाना, इसी पैगाम से जुड़े हुए हैं। इनको समय ही नहीं है कि इन घटिए लोगों की गंदी बातों सुने, और ये अत्यधिक पढ़े हुए महापुरुष हैं, इन्होंने ये भी सीखा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये अपनी कमियों को देखते हैं, उनकी बातों को परखते हैं, लेकिन इन्हें पता चल जाता है कि ये देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, ये स्वार्थ के लिए, ये भेड़िए इस जनता का खून पीने के लिए प्यासा है, और स्वार्थ ने इसको इतना मूर्ख बना दिया है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है। और हमारे देश की जो नागरिक है उसको अब समझदार होनी चाहिए, वो चंद पैसों पर अपना वोट नहीं बेचे, वो चंद पैसों पर एक दारू पी के ऐसे दुष्ट लोगों को वोट नहीं दे जो कि देश का नर पिशाच बन के इसके खून पी जाए, कंस रावण की भूमिका अदा करे, जयचंद विभीषण की भूमिका अदा करे, यहाँ केवल देशभक्त हो तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, नरेंद्र भाई मोदी जैसा, मनोहर पारेकर जैसा, सरदार पटेल जैसा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, ऐसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते हुए नरेंद्र दामोदर भाई मोदी चल रहा है। जितने भी हमारे युवा पीढ़ी हैं, बेटी और बेटे, बहनों और भाइयों, अगर वो जागरूक नागरिक हैं तो अपने एक नौकर को, अपने एक मजदूर नंबर वन को हमेशा समर्थन दें, और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनका हाथ मजबूत करते हुए हम भारत माता की सच्ची सेवा करें। योगी वीरेंद्र योगी एक सन्यासी है, जंगलों में रहता है, लेकिन इसके दिल में एक धड़कन है कि मैं भी इस महापुरुषों के चले हुए पद चिन्हों पर चलकर अपने भारत माता की कुछ सेवा करें। और सबसे बड़ी सेवा है जागरूकता पैदा करना।
अगर हमारे देश के 135 करोड़ नागरिकों में अगर 70-80% भी देश की गंभीरता को समझते हैं और देश के सच्चे सेवकों को पहचानते हैं तो देश का उदय अवश्यंभावी है। ये स्वार्थी व्यक्ति हमारे देशद्रोहियों से मिलके, हमारे देश के दुश्मनों से मिलके हमारे देश को कमज़ोर करते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं है कि इनके कमज़ोर करने से ये देश कमज़ोर नहीं होगा, क्योंकि चंद घटिए लोग स्वार्थी और वंश के आधार पर प्रसिद्धि पाने वाले तुम्हारे दिन चले गए। सारी नागरिक समझ रही है सच क्या है असत्य क्या है। इस भारत देश का परंपरा रहा है सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा। हम इसी रास्ते पर चलेंगे और इसी रास्ते से देश को समृद्ध बनाएंगे। हम सभी लोग अपने अपने कार्य में दिन प्रति उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाएंगे तो भारत एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनेगा। क्योंकि ये भारत केवल पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग नहीं है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल दलित रंग नहीं है, ये 135 करोड़ मनुष्य नर नारी बहनों और भाइयों बेटे और बेटियों का समूह है। अगर ये सारे लोग मिल जाएंगे तो देश की समृद्धि होगी, विकास होगा, प्रकृति होगा और हम सभी खुशहाल होंगे। एक हमारा प्यारा दोस्त सुधीर चौधरी भी है जो देशभक्ति की भावना से हमें हमारे लोगों को प्रेरित करती है कि देश मेरा है, ये देश के लोग मेरे हैं। 135 करोड़ वो किसी जाति धर्म मजहब के हों, किसी क्षेत्र के हों, हमें उसका कोई भेदभाव नहीं है। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे मैं विनती करता हूँ कि स्वार्थ को हटा दें और आँख पर जो लगा हुआ अज्ञानता का घनघोर अंधकार है उसको चीरें ज्ञान से, उसको समझें कि सच क्या है असत्य क्या है, भ्रष्ट क्या है पवित्र क्या है। अगर हमें ये पूरा एहसास हो जाए तो हम सचमुच के नए भारत का निर्माण करेंगे, समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत, जहाँ की कोई भूखा नहीं हो, कोई नंगा नहीं हो, वन पर गंवार नहीं हो, जिसमें चेतना हो चाणक्या की, भक्ति और शक्ति हो राम और कृष्ण की, और जितने भी हमारे महापुरुष हुए भले वो विवेकानंद हो, बुद्ध भगवान हो, या जितने भी महान लोग झांसी की रानी हो जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, दिल दिया और जान भी दिया अपने देश के लिए देशवासियों के लिए, वही हमारा पुण्य कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, माननीय परम आदरणीय मानवता का एक महापुरुष युग पुरुष इस धरती पर है जिसे हम सभी नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अनेक शुभकामनाएं देते हैं और उनका हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे महापुरुष, तुमने अपने जीवन के हर क्षण गमाए, अपने जीवन में 4 घंटे सोए, 18 घंटे काम किए और कभी तुमने अवकाश नहीं लिया। उस महापुरुष का नाम है नरेंद्र दामोदर भाई मोदी, जो हमारा सेवक है, हमारे साथ निभाने के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत वासियों की जय। वो किसी क्षेत्र के हो, किसी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, वो सारे हमारे लोग हैं। ये देश हमारा है, ये देश के लोग हमारे हैं। जब इनकी सारी समस्याओं का निदान होगा, जब इनके दिन अच्छे गुजरेंगे तो हमारे जैसे देशभक्तों को, आपके सेवकों को चैन से 4 घंटे सोने का अवसर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।